हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग जी आप सभी को सुबह की। और गाइस सुबह के बज रहे हैं भाई 9 बज गए, 9:30 का टाइम हो गए। और अभी काम हमारे सारा हो गए फाइनली, और थोड़ा बहुत रिया है। और भाई मैंने कर दिया सुबह ब्लॉग स्टार्ट। और अंकित, अंकित का पापा जी तक बैठा है, अंकित ट्यूशन जा रहा है अभी। और भाई मैं बताती हूँ, आज का ब्लॉग अच्छा ही आएगा। देखो अंकित तो भी सोगा। हेलो दोस्तों, राम राम भाइयों। हम तो अभी भीतरों में गुजरे हैं, ठंड लग रही है बहुत। हाँ ठंड बहुत है, बाय बाय। ठंड बहुत है गाइज। मतलब धूप भी आती है अब तो खैर, पर ठंड भी ज्यादा ही पड़ती है। और भाई मैं बना रहा हूँ ये कच्ची हल्दी, तो मैं कच्ची हल्दी की सब्जी बनाऊंगी। और इसमें है आंवला, दिख रहा होगा आंवला, देखो ये रहा आंवला, तो ये तो आंवला है। और भाई ये है कच्ची हल्दी, तो मैं बनाऊंगी कच्ची हल्दी की सब्जी। और कच्ची हल्दी की सब्जी गाइस सर्दी में बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि हाथ पैर भी नहीं दुखता और मतलब शरीर में बहुत फायदा करती है। तो कच्ची हल्दी की सब्जी जरूर बना के खानी चाहिए। तो गाइस हम तो सर्दी में कच्ची हल्दी की सब्जी मतलब बना के एक्स्ट्रा रखते हैं, और सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के साथ में हल्दी की सब्जी भी ले लेते हैं। क्या तुम दोनों बाप बेटा में नहीं बनती हैं? मस्ती कर रहे हैं बिस्तरन में। तो वही मैं बनाऊंगा अभी खाना, अभी सब्जी बनाऊंगा। अभी इसको मैं छीलूंगी, और छीलर के गाजर किस तरह मैं कद्दूकस करूंगी इनको, तो यहाँ टाइम लगेगी थोड़ी सी, मैं बताऊंगी आगे भी। ठीक है, मित्र बने रहे ब्लॉग के साथ में। भाई हमने छील ली हल्दी, और देखो गाजर छीले उसी तरीका से छील ली। और अभी अब दूंगी मैं, और दो के फिर अब मैं कद्दूकस करूंगी इससे कद्दूकस करूंगी इसको। मैं गाजर खसे ना उसी तरीका से कद्दूकस करूंगी गाइज। और कच्ची हल्दी की सब्जी है, तो ये हल्दी है कच्ची हल्दी है, और यह मैंने छील ली, छील कर मैंने धो ली, और धो के और यहाँ मैं बनाऊंगी सब्जी। और मैं घी कद्दूकस करूंगी देखो इससे, तो इसको मैं इसी में रख लूंगी, क्योंकि सारा बर्तन है भी पीड़ हो जाए। देखो मेरा हाथ पीड़ हाथ हो रहा है बिल्कुल, और मैं यहाँ को यही में रखूंगी, क्योंकि सारा बर्तन पीड़ हो जाऊंगा, तो ये वजह से मैं इसी में धर के और इसको ऐसे कद्दूकस करूंगी। गाजर कसा है ना यही तरीका से मैं कद्दूकस करूंगी इसको, देखो इस तरीका से कद्दूकस करूंगी मैं इसको। और भाई सब्जी की कच्ची हल्दी सब्जी बहुत अच्छी लगेगी, और मैं बनाऊंगी ना तो पूरी बताऊंगी आप सभी को। तो एक बार मैं कस लेती हूँ इसको, कर लिया कद्दूकस देखो पूरा, और अपना हाथ देखो इतना गंद होगा, इससे मैंने कद्दूकस करा। तो इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ, और ये बनाइए रही मैंने ऑयल रख रखी है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो भाई देखो ये है हल्दी की सब्जी, कच्ची हल्दी सब्जी बनाऊंगी अभी, तो मैंने ऑयल रख दी। और ये मैंने लाल हरी मिर्ची काटी लंबी, और प्याज और अदरक लहसुन का लंबा लंबा टुक करा है। और गाइस ये है आंवला, तो आंवला को तो मैं नहीं डालूंगी, आंवला उतना ही डालूंगी इसमें। और सब्जी गाइस मैं बना देती हूँ सब्जी, फिर मिलेंगे। ऑयल हो गया गर्म भाई, तो इसमें मैं डाल दूंगी साबुत धनिया और जीरा, अच्छे से तलक रहे हैं देखो। और ये अच्छे से तड़क गया, तो इसमें मैं मिर्ची और प्याज लहसुन डाल दिया। तो भाई अभी मैं पकवा दूंगा अच्छे से, फिर मैं इसको डालूंगी। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, पानी एक तो कब नहीं डालूंगी मैं इसमें, तेल तेल में बनेगी सब्जी, पानी तो इसमें डालना ही नहीं है। तेल में अच्छे से कर दिया देखो बहुत अच्छे से, और तेल कराया मैंने, और इसमें मिर्ची और प्याज और लहसुन सारा पक रहा है इसमें, अच्छे से पका लूंगी इनको मैं, ब्राउन ब्राउन कर लूंगी। और भाई ये सब्जी देखो कद्दूकस कर ली मैंने हल्दी अच्छे से, तो अब इसमें डाल दूंगी हल्दी, इसको मैं चला लूंगी अच्छे से, और तेल तेल में भून लूंगी इसको। और गैस स्लो गैस रहेगा ना, स्लो गैस से ही चलाएंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे गैस नहीं रखना है हमको, स्लो रखना है गैस को। तो अभी तो इसमें मिक्स कर लेंगे,
दी मैंने 4 से 5 मिनट के लिए ढक दूंगी इसको मैं, और वही गैस कर देती हूँ। अब सिलो जीरो पर गैस है, डालूंगी मैं इसमें मसाला। तो गाइस सबसे पहले मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक डालूंगी तो गड़ जाएगी अच्छे से सब्जी। और बाद में डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्ची, लाल मिर्ची डाल दी। और अब डालूंगी मैं इसमें जीरा, धनिया, धनिया भी डाल दिए, थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ बस। ये डालूंगा गाइस, हल्दी नहीं डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि हल्दी की तो सब्जी है तो हल्दी नहीं डालूंगी इसमें, यही सामान डालूंगा। बन गई सब्जी हमारी, देखो ये बन गई, बन गई हल्दी की सब्जी। और अब पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं करा इसमें, और अभी मैं इसको उतारूंगी। बहुत अच्छे से पक गई है, देखो कढ़ाई भी पीली हो गई, साफ करना बहुत दिक्कत आएगी इसमें। और ये बन गई सब्जी, और इधर मैंने आटा लगा लिए, तो अब बनाऊंगा इसमें रोटी, और देखो हाथ कैसे होगा। तो ये मेरी सब्जी बन गई है गाइज, अब उतार देती हूँ मैं इसको, अब खाना बनाऊंगी फिर। ये मैंने तवा, और अब बना रहा हूँ मैं रोटी। सब्जी मैंने उधर उतार के रख दी। तो गाइज मैंने गाल दिया अंकित के पापा को ये सब्जी। भाई दही तो को जमाया यार आज। तो ये गुड़ है गाइज, ये गुड़ है और सब्जी हल्दी की रोटी यही है भाई। अभी जरा उनके पापा जी के लिए भाई खाना आए, क्योंकि ये जा रहा है तो मैं इनको खाना बिता देती हूँ। एक बार लो खाना खा लो एक बार, ठीक है। राधे राधे। हेलो दोस्तों, आओ अब भी खाना खाओ, हम तो खाना खा रहे हैं और सब निकलते हैं रोटी के लिए। सब जरूर है बाकी, ठीक है। दही हो तो आज अगला रहने, राधे राधे। दही हो तो नहीं अगला रहे, दही दही ना बनाया होगा, दही कौन आज यार। किसी और दिख सब्जी एकदम मस्त है, बढ़िया है, बहुत अच्छी सही में बना देगा। थोड़ी सारी दिखा दी गई, लाइट गई गाइस, अंधेरा होगा घर में। देखो अच्छी लग, गेट खोल दो, गेट खोल दो, लाइट गई। तो गाइस अभी अंकित के पापा जी खा रहे हैं खाना, आ गई लाइट ही आ गई। सही लग रही है तो सब्जी है ना, एकदम बढ़िया। हां तो हल्दी की सब्जी तो अच्छी लग रही है, तो बना के रख लेंगे काफी सारी। अभी तो यह तो कई दिन चलेगी, क्योंकि आज अचार ना माने हैं, अचार अभी रुक जा। पानी हां भैया अब ना लिया, और ना के अब अंकित हो जाऊंगी छोड़ दो। अंकित होगी टाइम गाइस 15 मिनट होगी 12 बजे के, तो अभी मैं अंकित को स्कूल छोड़ रहा हूं। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है अभी अंकित को छोड़ के। और फिर बेटा आओ ना बैग ले आओ, तो भाई ना लिया फिर हो गए ना के, सारा काम कंप्लीट हो गए। 12 बजे 15 मिनट फिर आऊँ गाइज, और अभी अंकित में छोड़ जाऊंगी। कार ड्राइव की बुकन ने अलमारी में गए, अंकित हो गए तैयार, और मैं भी अब छोड़ जाऊँ अंकित। और भाई इधर अंकित का बैग तैयार कर दिया, बोतल रख दी, टिफिन रख दिया, और अब जा रहे हैं अंकित छोड़। आ गए ऊपर छत पे और मूंगफली खा रहे हैं सब के सब बैठ गए। देखो मेरी मूंगफली फैला था, अमरूद खाया, खत्म होगा अमरूद, खत्म हो गए, लिख रहे रे सीओ। ऊपर छत पे बैठ के पार्टी कर रहे हैं, और धूप है बहुत अच्छी। साथ में खाया कर जी बेटा, अलग अलग कर जी सब। हाँ तो गए जम बैठे हैं सब किसी ऊपर छत पे, और मूंगफली खा रहे हैं भाई। आप भी खा लो, बहुत अच्छा मौसम होगा, अब तो धूप है, ठंड नहीं है ज़्यादा, हवा चल रही है ना, तो भाई अब खा रहे हैं मूंगफली ऊपर धूप में बैठ के। पहला तो सेब और अमरूद खाया, अब मूंगफली खा रहे हैं, काम से पूरा फ्री होगा। बैठे हम सबको सब, देखो भाई हम छत पे ही, ये इधर हमारा कपड़ा वपड़ा सारा सूख रहे हैं, ये मुंडा फाड़ रहे देख। बज गए हैं भाई 6:45 बजे, अब मैं अंकित को ले जा रहा हूँ, अंकित की छुट्टी हो जाएगी 6:10 पे, अभी 6:45। तो गाइस शाम का टाइम है भाई, अब जा रहे हैं अंकित ले, एक बार अंकित ले आती हूँ। और सर्दी भी पड़ रही, दिन में तो धूप ही, लेकिन अब सर्दी है, सर्दी पड़ रही है भाई। गाइज मैं अंकित भी अभी अभी लेके आया हूँ स्कूल से, और अभी तक अंकित ने कपड़े चेंज करा ही कर लिया, और अभी तो मैंने मंदिर में पूजा कर दी भगवान जी ने, देखो ये कर दी पूजा।
और भाई शाम की बज गए हैं 6:30, और अंधेरा तो हो ही जाए, आप सभी को पता है अंधेरा कितना हो जाता है, और मैं बाहर होगा अंधेरा।